एलोपैथिक साइंटिस्ट जो हैं उनमें चोटी के डॉक्टर्स जो अमेरिका के तालीम के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते और बड़ी फीसें लेते हैं, वो उनसे जब मैंने खूब गुफ्तगू की है तो इस मामले में हथियार डाल देते हैं, कहते हैं जो हम देते हैं टेस्ट वगैरह, वाक़ यह है कुछ अर्से के बाद और ज़्यादा मुसीबत डालते हैं, भूख ख़राब, मैदा उजड़ जाता है, मज़ा नहीं ज़िंदगी का रहता, और फिर कुछ देर के बाद और ज़्यादा तेज़ी से तेज़ाब आता है। मगर तेज़ाब की भी दो किस्में हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैदे से फूटता है, और एक तेज़ाब है जो उसकी कमी से पैदा होता है कि खुराक गल सड़ कर तेज़ाब में बदलती है, और इसका ताल्लुक सिर्फ तेज़ाब की कमी से नहीं बल्कि जो पेरिस्टोलिक मूवमेंट के कम होने से भी है। अंतरियों को अल्लाह ताला ने एक मुअय्यन रफ्तार से हरकत अता फरमाई है जिसके नतीजे में मैदे का खाना अमूमन 3 घंटे के बाद खाली हो जाना चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए, और अंतरियां फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाती हैं, ये मूवमेंट है उसकी। लेकिन अगर पेरिस्टोलिक मूवमेंट कमज़ोर हो जाए तो मैदे में गिज़ा 3 घंटे में नहीं निकलती बल्कि वहीं पड़ी रहती है, उससे जो एसिड पैदा होता है वो बहुत ख़तरनाक है, उसके लिए और इलाज होना चाहिए। जो ऐसा एसिड नज़र आए और आप उसको एंटासिड दवाइयाँ दें तो वो मैदे का जो कुदरती एसिड है उसको भी ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि ऐसी एलोपैथिक दवाओं में ब्लॉकर्स भी होती हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को तभी एसिड की प्रोडक्शन को रोकती हैं, इसलिए आंखें बंद करके ऐसी एंटासिड वगैरह दवाई देना बहुत नुकसान का मुझे बनता है। मैंने एक दफ़ा अपने आप को तजर्बे के लिए डॉक्टर मीर मुबारक अहमद साहब जो इस फन के माहिर हैं, चोटी के डॉक्टर हैं न्यूयॉर्क में, उनके सपुर्द कर बहुत इसरार करते थे कि आप मेरा तो इलाज करा के देखें। मैंने कहा मैं करा लेता हूँ। 1 महीने में वो मेरा बखिए उधेड़े उन्होंने कि आखिर मैंने फ़ोन पे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा डॉक्टर मैं फ़ोन करूँ मगर हाथ जुड़े हुए देखें, बस कर दें। मैंने कहा आपकी इजाज़त के बगैर मैंने कोई होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं की, आप ये ना कहें कि दोनों साथ जारी थे। उन्होंने कहा ठीक है यही होता है, चलो फिर छोड़ दो। वो दवाएँ अब तक काफ़ी बंडल पड़े हुए हैं वहाँ मेरे पास दफ्तर में भी, ऊपर भी बहुत दवाएँ भेजते थे। तो मेरा तजुर्बा यह है कि यूँ ही इस फीसें कमाने वाली बात है, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन होम्योपैथिक में अल्लाह के फज़ल से कंट्रोल में रहती है, और नक्सवामी का अगर दी जाए तो पेरिस्टोलिक मूवमेंट आम तौर पर बहाल हो जाती है और मर्ज़ की शिद्दत में यकीनन कमी आ जाती है। तो ये तो आज का दर्स है, बाकी फिर से इंशाल्लाह।